पश्चिम बंगाल में ईडी टीम कर हमले के बाद अब केंद्र भी एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी की सरकार से हमले को लेकर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। वहीं ईडी के डायरेक्टर बंगाल में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि ईडी की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी और ईडी के सख्त रुख को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी का पारा भी हाई हो गया। उनकी सरकार के मंत्री खुलेआम ईडी को धमकी दे रहे हैं। ईडी का एक्शन, दीदी का पारा हाई, ममता ने दी धमकी, शाह ने मांगी रिपोर्ट। ममता के रास्ते पर चली सोरेन सरकार। पश्चिम बंगाल में ईडी के एक्शन पर सियासी पारा हाई है। ईडी टीम पर हमले के बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले के बाद खामोश ममता बनर्जी अब खुद मैदान में उतर आई है। अपनी पार्टी के नेता शाहजहां शेख पर हुए एक्शन का बचाव कर रही हैं। ঘটনা ঘটেছিল, আমি তো সবাইকে চাকরি দিয়ে দিয়েছি, টাকাও দিয়ে দিয়েছি। যে সিবিআই এর এখতিয়ারে ছিল সে খুন হয়ে গেছে তাদের আন্ডারে। তাছাড়াও তাদের ঘর বাড়ি থেকে যে জিনিসগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল, যে টাকা পয়সাগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল, সিজার লিস্ট দেওয়া হয়নি, তাদের টাকাগুলো উদ্ধার হয়েছে কি? সব ব্যাপারে তৃণমূল, গরুও তৃণমূল, কয়লাও তৃণমূল, ময়লাও তৃণমূল, গাছের ঘাসও তৃণমূল। হোয়াট ইজ দিস? আমি ভেবে পাই না। একটা কাপড়ে যদি কালি পড়ে সেটাও বলবে তৃণমূল। তৃণমূলের নামে ভয় পায়, তৃণমূলকে দেখলে কাঁপে। তাই মনে রাখবেন, তৃণমূলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাজিয়ে নাটক করে তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ভাবছে ভোটের আগে সবাইকে গ্রেপ্তার করি, তাহলে এলাকা খালি হয়ে যাবে আর পুরো বিজেপির ডুকডুকি বাজাবে ওখানে। অত সোজা নয়, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়বো না। ममता के बयान के बाद बीजेपी भी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस आतंकियों की पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री जी बोलें आधा सामरिक बाहिनी एले कोदाल कुड़ुल निये दानिये बेरी पड़न महिला आह्वान करें। कल के एक मंत्री बोले हमें ताकि भद्रलोक बोले जानतम, सेंट्रल फोर्स ईडी जेखने जाए सेखने नाकि एरकम घटना घटबे। एटा कि सन्त्रासबादी दल हो गेछे? सरकारी केंद्र सरकारेर कोनो संस्था আক্রান্ত হবে এখানে এলে? আমার তো মনে হয় এখানে এই সরকারের 1 মিনিট থাকার অধিকার নেই, এই সরকারকে ধাক্কা মেরে গঙ্গায় ফেলা উচিত। ওই মমতা সরকার কে মন্ত্রী তো দিদি সে দো হাত আগে নিকল গয়ে। মন্ত্রী শোভন চ্যাটার্জি আরোপ লগা রহে হ্যায় কি জহাঁ বিজেপি কি সরকার হ্যায় ওয়াহাঁ ইডি অর সিবিআই নাহি জা রহি। শোভন চ্যাটার্জি ইডি অর সিবিআই কে অফসরো কো খোলেআম ধমকি দে রহে হ্যায়। আরে ভাই, একটু জল বিস্ফোরণ হবে এরপরে, এখন তো সব একটা জায়গায় হয়েছে, এরপরে সারা বাংলা জুড়ে জল বিস্ফোরণ হবে। এবং ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে বিজেপি সরকার নেই সেখানে ইডি যাচ্ছে, আর সব যুধিষ্ঠিরের ছেলে পুড়ে। আসামে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যুধিষ্ঠিরের ছেলে, যেখানে যেখানে বিজেপি সরকার আছে সেখানে ইডি সিবিআই দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছে না। এই জল বিস্ফোরণ ভারতবর্ষে হবে, ইডি গেলেই হবে, গেলে হবে, বলে যে যাবে হবে, ইডি গেলে আবার কি যে যাবে হবে জল বিস্ফোরণ। वहीं ईडी की टीम पर हमला करने के बाद ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन बंगाल में ही कैंप कर रहे हैं। वो ईडी अफसरों पर हमले के बाद हालात का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ से कहा है कि ईडी की टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। ईडी डायरेक्टर ने साफ कर दिया है कि उनकी टीमें ऐसे हमलों से डरने वाली नहीं है और करप्शन के खिलाफ उनका एक्शन जारी रहेगा। वहीं वो राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच झारखंड सरकार ने ईडी और सीबीआई के समन के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के तर्ज पर सोरेन कैबिनेट ने भी फैसला लिया है कि पदाधिकारी झारखंड में ईडी सीबीआई समन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे। समन मिलने के बाद विभागीय सचिव से इजाजत लेनी होगी। विभाग के प्रधान ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देगा। इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेंगे। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के अलावा जो बाहर की कोई भी जांच एजेंसी से उन्हें समन या नोटिस प्राप्त होता है तो उसके अनुपालन के लिए जो एसओपी फॉलो होना है उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।
किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। यानी सोरेन सरकार भी ममता बनर्जी वाले मोड में आ गई है। यही वजह है कि 7 बार समन मिलने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए।